हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी वेल इनफ, यानी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के बीच झारखंड एसएससी की तरफ से जो 10+2 रिक्रूटमेंट आ रही है 10+2 लेवल की, उसके रिगार्डिंग हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि किन किन पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है, सेलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट क्या है, ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग फटाफट से डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि झारखंड एसएससी में 10+2 लेवल यानी इंटर लेवल की रिक्रूटमेंट आई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 863 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है। दो पोस्ट के ऊपर रहेगी एलडीसी और स्टेनोग्राफर के लिए। तो एलडीसी का है 836 सीट्स एंड स्टेनो के लिए 27 सीट्स रखी गई है। डेट वाइज अगर बात करूं तो इम्पोर्टेंट डेट विल बी आपका 20 अक्टूबर से, ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है। लास्ट डेट टू अप्लाई रहेगा 19 नवंबर 2023। आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर देना। चलिए अब बता देती हूँ फॉर्म की फी क्या रखी गई है। जनरल BC1, BC2 एंड अदर स्टेट कैंडिडेट से 100 रुपीज लिया जाएगा चार्ज। SC ST से आपको 50 रुपीज चार्जेस लगेंगे। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो मिनिमम एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1st अगस्त 2023 एंड फॉर मैक्सिमम एज आपका 1 अगस्त 2019 से आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। 18 टू 35 इयर्स एज की लिमिट है। वहीं अगर BC1 और BC2 के लिए देखें तो मिनिमम 18, मैक्सिमम 37 इयर्स रखा गया है। फीमेल्स के लिए मिनिमम 18 एंड मैक्सिमम 38 इयर्स। SC ST का मिनिमम 18, मैक्सिमम 40 इयर्स रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, सिंपली अगर आपने 10+2 पास आउट कर रखा है इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से, डजंट मैटर कि आपका क्या परसेंटेज है, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन की प्रोसेस सिंपल है, 3 स्टेज से गुजर के आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पास आउट द रिटन एग्जामिनेशन, विच मीन्स कि आपका ऑफलाइन पेपर होता है पेन एंड पेपर मोड पे। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें 3 गुना जो स्टूडेंट्स होंगे ना पोस्ट के, 3 गुना आपको रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो ज्वाइनिंग लेटर तक पहुंचने से पहले जो कुछ भी प्रोसीजर होने वाला है पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। आइए बता देती हूँ कि रिटन टेस्ट आपको कैसे कैसे होने वाला है। रिटन टेस्ट में आपको 3 पेपर्स होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 विल बी लैंग्वेज टेस्ट, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसमें आपको इंग्लिश प्लस हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स 30% रहेगा। पेपर 2 रीजनल आपको लैंग्वेज रहता है, मतलब क्षेत्रीय भाषा का प्रश्न आपको पेपर 2 में पूछा जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका रहेगा 30%। इसमें मान लीजिए कि जैसे आपका बोरो, खासी, झारखंड के हो तो वहाँ का जो संथाली वगैरह है, मैथिली, हिंदी, इंग्लिश, जो भी क्षेत्रीय लैंग्वेज रहेगा उससे आपको बहुत सारे लैंग्वेज है आपको चूज करना होगा, उसका आपको पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर 3 में आपका होता है GK यानी जनरल नॉलेज। यहाँ पर भी मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका रहता है 30%। तो अब हम लोग समझेंगे कि पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 तीनों का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। पेपर 1 में रहेगा 120 क्वेश्चन 360 मार्क्स के लिए। टाइम विल बी 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे का पेपर रहेगा। निगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3 का। पेपर 1 में जैसा आपको बताया हिंदी और इंग्लिश है, तो हिंदी के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। पेपर 2 का पैटर्न बहुत ही सिंपल है, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए। टाइम विल बी 2 आवर्स, विच मीन्स कि 2 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/3 की। रीजनल लैंग्वेज नॉलेज टेस्ट, मतलब आपको क्षेत्रीय भाषा का नॉलेज है या नहीं इसके जांच के लिए परीक्षा होती है। जैसा कि आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संथाली, बोडो, खासी, जयंती, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं ना, उसमें से आपको कोई एक चूज करके पेपर देना होता है। आगे चलिए देख लेते हैं पेपर 3 का क्या पैटर्न रहने वाला है। तो पेपर 3 विल बी 120 क्वेश्चन 360 मार्क्स। टाइम विल बी 2 आवर्स,
मतलब 2 घंटे का ये भी पेपर होगा, निगेटिव रहेगा 1/3 का। सब्जेक्ट वाइज बात करो, जैसा कि आपको बताया कि ये जनरल नॉलेज के लिए होता है ये पेपर 3, तो जीके जीएस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए, झारखंड स्पेशल जीके आपको यहाँ पर रहेंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर आधारित प्रश्न 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। सो आई होप कि ओवरऑल आप एग्जाम पैटर्न समझ गए होंगे। तो एग्जाम के बाद होता है आपका स्किल टेस्ट, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि स्किल टेस्ट में किस प्रकार से आपका टेस्ट वगैरह होता है। एलडीसी के लिए आपका 250 वर्ड्स का टेस्ट होता है, टाइपिंग रहेगा, 2% एरर आपका यहाँ पर अगर है तो चल जाएगा। स्पीड विल भी होना चाहिए आपका इंग्लिश का 25 वर्ड्स पर मिनट, टाइम रहेगा 10 मिनट का। चलिए अब नेक्स्ट पोस्ट के लिए देखते हैं कि स्टेनो या फिर पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्या स्किल टेस्ट होगा। टाइपिंग प्लस स्टेनोग्राफर की टेस्ट होगी। एससी एसटी का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट, अदर्स का होना चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट। स्टेनो की जो टेस्ट होगी उसमें 80 वर्ड्स पर मिनट की टेस्ट होगी। सो स्किल टेस्ट भी आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद आपका डीवी होगा, सिंपली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो झारखंड राज्य के लिए वैकेंसी आई है, तो झारखंड के ही डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि आपको क्या सैलरी मिलेगा आफ्टर ज्वाइनिंग। एलडीसी की पोस्ट के लिए आपको मिनिमम 19,900 रुपीस से स्टार्टिंग होती है, एंड आफ्टर द पर ईयर इंक्रीमेंट पर्क्स एंड अलाउंसेस आपकी सैलरी बाद में हो जाती है 63,200 रुपीस। ये आपको लेवल 2 की सैलरी मिलती है। स्टेनो या फिर पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपकी स्टार्टिंग होती है 25,500 रुपीस से, एंड आफ्टर द इंक्रीमेंट्स पर्क्स एंड अलाउंसेस आपके 81,100 रुपीस मिलते हैं, विच मीन्स कि लेवल 4 की ये सैलरी होती है। रही बात अब आप सोच रहे होंगे कि एग्जाम सेंटर कहाँ पे होने वाला है, तो ऑफलाइन पेपर है, झारखंड जाके ही आपको जहाँ पे सेंटर होगा आपको वहाँ पे जाके आप चाहे कहीं से अप्लाई करो, बिहार, यूपी और उड़ीसा, कहीं से भी अगर आप देश भर में फॉर्म अप्लाई करोगे झारखंड जाके आपको एग्जाम देना पड़ सकता है। सो आई होप कि आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी झारखंड एसएससी 10+2 लेवल रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। और अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो, कुछ समझने में आपको चूक हुई हो, कमेंट सेक्शन है वहां पे आके आप पूछो। अदरवाइज इसका नोटिफिकेशन मैं पोस्ट करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां पे जाके भी मुझे फॉलो कर लेना। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में पता चल सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।